अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर स्थित नंदी गौशाला में राधा कृष्ण मंदिर प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति समारोह एवं तीन दिवसीय नैनीबाई का मायरा कथा गुरुवार से प्रारंभ हुई। राधा कृष्ण मंदिर प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति समारोह एवं तीन दिवसीय नैनीबाई का मायरा कथा का आगाज शोभा यात्रा के साथ हुआ। शोभा यात्रा में महिलाएं कलश लिए चल रही थी तो भगवान राधा कृष्ण की मूर्तियाँ रथ पर सवार रही। अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर स्थित नंदी गौशाला में राधा कृष्ण मंदिर प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति समारोह तीन दिवसीय नैनीबाई का मायरा कथा गुरुवार से प्रारंभ हुई। राधा कृष्ण मंदिर प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति समारोह तीन दिवसीय नैनीबाई का मायरा कथा का आगाज शोभा यात्रा और कलश यात्रा के साथ हुआ। शोभा यात्रा में महिलाएं कलश लिए चल रही थी तो भगवान राधा कृष्ण की मूर्तियां रथ पर सवार रही। शोभा यात्रा होटल गुडाल से प्रारंभ हुई जो गाजे बाजे के साथ कथास्थल नंदी गौशाला पहुंची। वहीं शोभा यात्रा के कथास्थल पहुंचने पर यज्ञ का आयोजन किया गया। राधा कृष्ण की मूर्ति का पंचामृत अभिषेक कर जलाधिवास के साथ यज्ञ मंडप में देवताओं का आह्वान किया गया। मंडप पर 11 ब्राह्मणों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। वहीं दोपहर 2 से 5 बजे तक नैनीबाई का मायरा कथा का वाचन हुआ। जोधपुर के संत अमृताराम महाराज ने पहले तीन मायरे के कई प्रसंगों का वाचन किया। राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण प्राण प्रतिष्ठा और कथा का लाभ श्रवण कुमार डुंगरोमल महेश्वरी द्वारा लिया जा रहा है। गुड़ाल होटल से कथास्थल तक विधायक मेवाराम जैन, सभापति दिलीप मालिक, किशनलाल बडेरा, बंशीलाल बडेरा, ओम जोशी सहित विभिन्न समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। राधा कृष्ण मंदिर प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति समारोह में तीन दिवसीय नैनीबाई का मायरा कथा के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।